सो एवरीवन, मैं कबीर के लिए लंच बॉक्स में बना रही हूँ आज अप्पे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल पहले लगा दिया है और थोड़ा थोड़ा ही डालकर बना रही हूँ, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे आता नहीं है। ठीक है, साउथ हम लोग खाते नहीं है इसलिए, तो लेकिन मुझे ये वेराइटी बनानी ही थी क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करना चाहिए। सो इसमें वेजेस भी मैंने ऐड किया है। 12 बज गए हैं तो जल्दी जल्दी सारा लंच बना लेती हूँ, जैसे भी आ जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, अगर ज्यादा मैंने सोचा फूल जाएगी तो, इसीलिए। तो इस तरह से मैं इसे घुमा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा हाथों से। और ये मैं हरी मिर्च, कोथमीर और नारियल की चटनी बना रही हूँ, जिसमें ये तड़का लगाऊंगी मैं। सो गाइस, अभी इवनिंग को मैं बना रही हूँ लड्डू। तो मैंने लड्डू के लिए मैंने इसमें घी और गुड़ और ये जायफल और इलायची का पाउडर इसी के साथ में डाल दिया है। और ये मैंने जो गेहूं का आटा है उसको रोस्ट फ्राई कर लिया है। और मुझे बनाना है आज दाल ढोकड़ी, तो इसके लिए दाल बॉइल कर रखा है। कबीर यहाँ पर खेल रहा है अच्छे से। आज कबीर को मैंने नया जो स्वेटर ले दिया है जो अपना, हाँ कभी खेल रहा है। तो मेरा किचन का थोड़ा सा काम बाकी है, मैं आज बहुत लेट आई थी, बहुत लेट आई हूँ। आज 7:45 बज गए थे, 7:45 बज गए थे, तो अभी फिलहाल बज रहे हैं 8। और मैं वापस आने के बाद हाथ मुँह धोकर फ्रेश होने के बाद दिया बाती कर लिया, उसके बाद डायरेक्ट मैं किचन में आकर डिनर बनाने लगी। और कल मेरा व्लॉग नहीं बनाया था, ठीक है, क्योंकि मुझे कल मेरा अच्छा नहीं तबीयत था, ये वेदर की वजह से मुझे पूरे दिन चक्कर ही आ रहे थे। फिर इवनिंग को बाहर गई थी तो आज भी बहुत 4:30 बजे से बाहर चली गई थी, तो वापस आने के बाद भी थोड़ा सा, क्यों ना, ये वेदर ऐसा है कि कुछ ना कुछ ऐसे बीमार होते ही रहते हैं, ठंडिया भी बारिश का भी मौसम ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो चलो अभी अच्छे अच्छे छोटे छोटे लड्डू का तैयारी करें, उसके बाद दाल ढोकली बना दे। तो नए व्यूवर्स प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल आइकन के साथ, ठीक है। जब इसमें ये बुलबुले आने लगे ना तब मीडियम फ्लेम करना है हमें एकदम, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध डालना है। दूध डालने के बाद उसमें एक बहुत ज़्यादा ही झाग आने लगेंगे, देखो इस तरह से, और ये लड्डू एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो अभी इसमें मिलाना है ये आटा, उसके बाद इसे जल्दी जल्दी मिलाते रहो। और ये थोड़ा सा लग रहा है ना पतला, बट पतला नहीं, अभी ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा। और मुझे लग रहा था कि दाल थोड़ा सा पक्का नहीं है तो इसलिए पका रही हूँ, दो विशल लगा लेती। और ये अभी थोड़ी देर में एकदम गाढ़ा हो जाएगा, मतलब कि ये लब्स है ना जो, वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे देखो कढ़ाई में से अलग होने लगा है, इसे ठंडा होने तक इसे रखना वरना ये नहीं बनेंगे। तो ठंडा हो जाए तब तक इसे मैं रख देती हूँ, उसके बाद इसको लड्डू शेप दूंगी। तो मैंने दूसरे कुकर में ऑयल लगाकर राई जीरा और हींग का तड़का लगा दिया है, और अभी मैं इसमें थोड़ा सा इसे करी पत्ते डाल दूंगी और इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसमें मैं डालूंगी स्प्रिंग अनियन, कि ये वाला जो दाल ढोकली है उसमें प्याज डालना अच्छा लगता है, मैं डालती हूँ क्योंकि दाल फ्राई जैसा एक अच्छा टेस्ट आए।
घर के और मसाले डालने के बाद मैंने दाल को डाल दिया है, बॉइल्ड दाल को। अभी मैं इसमें ये वाला आटा है जो इसमें मैंने कोथमीर डाला है, फिर अजवाइन और मसाले थोड़े से, लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा, तो इसको मैं अभी बेल लूँगी। तो बेलने के बाद बस इसके छोटे छोटे हमें पीस करने हैं, जितने आप अपने अकॉर्डिंग करो, मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ कि छोटे छोटे टुकड़े करने हैं इसके। और मेरा फेवरेट है दाल टोकरी। मैं जब अहमदाबाद में रहती थी उस टाइम पर मेरे जो नेबर थे ना, मराठी थे वो लोग, वो मुझे बहुत बनाकर खिलाते थे। तो छोटे छोटे पीसीस को अभी दाल उबलने लगा है उसमें डालते जाना है। अभी इसमें कोरिएंडर लीव्स थोड़ा थोड़ा डालना है। तो मेरा दाल ढोकरी अच्छे से बहुत अच्छा टेस्टी डिलीशियस बना लिया है। अब थोड़ा सा ऊपर से मैंने हाफ लेमन का रस डाल दिया है ताकि थोड़ा सा मीठा और खट्टा। तो थोड़ा सा लाल मिर्च ऊपर से डाल दूंगी और बहुत ही टेस्टी बना है सच्ची में, वो मैंने टेस्ट किया था, बहुत अच्छा बना है। तो बस तैयार है मेरा दाल ढोकली। आप लोगों को खाना हो तो आप लोग भी प्लीज़ मेरे घर पर आ सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा मैं कुकिंग बनाती हूँ, कुकिंग करती हूँ मतलब कि। तो तैयार है दाल ढोकली। उसके बाद जो लड्डू का जो मिश्रण है वो ठंडा हो गया है एकदम, तो मैं जल्दी जल्दी लड्डू भी बना लेती हूँ। तो मेरे ब्लॉग का दूसरा दिन है, तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 10। तो मैं बस कबीर के लिए अभी जल्दी जल्दी लंच बॉक्स की तैयारी कर देती हूँ, दोपहर का लंच बनाने की वो सब कर देती हूँ। तो आज सुबह मैं जो ऊपर वो बड़ा वाला जो पौधा हो गया था ना, तो उसको मैं कट कर रही थी, तो उसमें से जो उसके बीच में से वो वाइट हाँ कबीर एक जगह वाइट का कट करते हैं तो निकल ना, तो वो मेरे आँखों में चला गया, ऐसे बहुत ज़्यादा जल रहा है, ऐसे आँख खुल ही नहीं रह रही, तो इस वजह से मेरा बहुत पानी आ रहा है आंखों में से, इतना जल रहा है ना कि ऐसे लगता है कि ऐसे बंद करके थोड़ी देर ऐसे रख देते हो, बट मुझे थोड़ा सा काम है सब करना। हाँ कबीर को मैंने नहला, हाँ तो हमारा बस, तो कबीर भी नहा धोकर उसे भी मैंने जो पुराने वाले कपड़े थे वो रेगुलर वो पहना दिए, उसके बाद उसे स्कूल यूनिफॉर्म पहनाऊंगी, अभी पहना दूंगी। तो उसका जो शर्ट का कलर है वो थोड़ा सा थोड़ा मैला हो जाता है, तो उस वजह से उसे बाद में वो दिख रहा है सिंचन। और मैंने बाहर आंगन अच्छे से वॉश कर लिया, सब हो गया, तो पूरी तरह से साफ कर लिया मैंने। तो जो किचन में ये कबीर यहाँ पर थोड़ा सा अपना ड्राइंग वगैरह या घर बना रहा था वो किया है, मेरा किचन थोड़ा सा फैला हुआ है और मैं कल लड्डू बनाए थे ना, देखो ये रहा, तो रख दिया है इसमें। आज मेरा पूरा बेडरूम मेरा फैला हुआ है कबीर का, अरे तो देख लो बेडरूम ठीक, सब मुझे करना है काम अभी भी। कबीर को ले दे रखो, ले वो पीछे वाला ड्रॉअर भी खुला है,
और मैं टीवी देख रहा हूँ और मम्मी ने येलो कलर का हेयर बैंड लगाया है, हेयर बैंड नहीं कहते हैं, और ये पापा ओडोमॉक्स लाए थे, आप भी कहते हैं क्रीम ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्रीम काटते हैं। अच्छा बिल्कुल भी नहीं जानता तो डेंगू मच तो एवरीवन अभी 1:10 बाकी है तो कबीर और जयेश चले गए हैं स्कूल एंड आज मेरा ड्राइविंग स्कूल में आज छुट्टी है, सैटरडे संडे को छुट्टी रहता है, मंडे को जाना है और मुझे बहुत अच्छे से आ गया है अभी कार चलाना। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी वो वाला वीडियो जब मैं अपना घर का जो कार है वो लेकर जाऊंगी, उस टाइम पर वीडियो बनाऊंगी पक्का। और मेरी आँखें बहुत दर्द कर रही थोड़ी थी, छोटी 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 हो गई एकदम नहीं, तो अभी मैं ये सारे कपड़े वपड़े सब अरेंज करना है, मुझे लिविंग रूम ठीक कर लिया, किचन थोड़ा सा मैसी है जो वो ठीक करना है, तो ऐसे तो सारा दिन आज मुझे काम करना ही देना है। ऊपर वाला जो ई ग्लास है उसे भी मुझे क्लीन करना है, वो सारे बोतलें वगैरह निकाल के उसके बाद उसे क्लीन करना है। तो आज मुझे इवनिंग को जाना नहीं है ना, इसलिए मैं पूरे दिन आज करने वाली हूँ, सारा घर को क्लीन विन वगैरह वो सब चलता रहेगा। फुल डे मेरा सुबह 6:30 से रात को 10-11 बजे लास्ट 10 बजे तब तक पूरे दिन मैं इतना बिजी रहती हूँ कि कुछ करने का टाइम नहीं मिलता है, काम वाम से सब ऐसे भागम दौड़ी हो गई है। कल एक दिन छुट्टी है संडे को, जैसे मुझे कबीर तीनों को, तो कल एक दिन अच्छे से रिलैक्स होकर आराम करना है बस और कुछ नहीं। तो चलिए अभी मेरी व्लॉग खत्म करने का टाइम हो गया है, सो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है विद बेल आइकन के साथ। तो चलिए कल मिलूंगी नए वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ आपने मेरी वीडियो पूरी देखी उसके लिए थैंक यू सो मच, और हर रोज़ मैं आप कोशिश करूँगी कि हर रोज़ अपना व्लॉग बनाऊँ और हर रोज़ अपलोड करूँ ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।